हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स या कैट। तो अब हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने गाइडेंस नोट इशू किया है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स में, कैट में गाइडेंस नोट इशू किया है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं ताकि ईजी हो जाए। गाइडेंस नोट क्या कह रहा है वो हमारी समझ में आ जाए। गाइडेंस नोट हमें गाइडेंस देता है, हमें बताता है कि किस तरीके से पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हमें ऑडिट करना है या पर्टिकुलर ऑडिट की कंडीशंस। ये गाइडेंस नोट हमें बेसिकली गाइडेंस देता है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इन सब के एरियाज़ में। तो गाइडेंस नोट में सबसे पहला सेक्शन है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ जो गाइडेंस नोट कहता है वो ये कहता है कि कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट होने से जो ऑब्जेक्टिव और स्कोप है ऑडिट का वो चेंज नहीं होता। इसके बारे में हम काफ़ी जान चुके हैं, काफ़ी पढ़ चुके हैं, काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। हम ये जान चुके हैं कि जब आप ऑडिट करने जा रहे होते हो तो आप ये देखते हो किस तरह का ऑडिट है। इंटरनल ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है या पीएफ का ऑडिट है, ईएसआई ऑडिट है, ये सारी चीज़ें देखते हो और इसके अनुसार ऑब्जेक्टिव बनता है। ऑब्जेक्टिव और स्कोप इसी के अनुसार क्रिस्टलाइज होता है या फ्रीज होता है या पर्टिकुलर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर इन्वायरमेंट ऑडिट करने जा रहे हो आप या पर्टिकुलर एरिया मैनेजमेंट पर्टिकुलर एरिया का ऑडिट कराना चाहता है, उस पर्टिकुलर एरिया का ऑडिट करने जा रहे हो तो वहीं पर ऑब्जेक्टिव और स्कोप फ्रीज हो जाता है। अब दूसरा स्टेप है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने लगते हो और सोचने लगते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है डिटेल्ड बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पीएफ का ऑडिट करना, या थोड़े से एक आध दो ब्रॉड टर्म्स होंगे। ऑब्जेक्टिव वहाँ पर फ्रीज हो जाता है, वहाँ पर हो जाता है। स्कोप थोड़ा ब्रॉडन होता है लेकिन वो भी उतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होता। तो स्कोप और ऑब्जेक्टिव जो है वो कम जो है वो पहले ही फ्रीज हो जाते हैं। अब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हो कैसा इन्वायरमेंट है, मैनुअल इन्वायरमेंट है कि कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट है। मैनुअल इन्वायरमेंट प्योरली मैनुअल होगा, कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट दोनों का मिक्स होगा। अकाउंटिंग एश्योरेंस एडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 ये कहता है कि जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जहां पर एक या उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं या ऑडिट को अफेक्ट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव हो, किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग हो रही हो। तो कहने का मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ से एक कंप्यूटर आना शुरू हो जाता है वहाँ से संभावना बन जाती है कि कंप्यूटर सीआईएस इन्वायरमेंट हो जाए, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट हो जाए। तो यानी वहाँ पर मैनुअल इंटरफेस रहेगा। जब तक 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आती है मैनुअल इंटरफेस जरूर रहेगा। जब 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, 100% नहीं मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, नैरो एआई नहीं एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगी। नैरो एआई तो आ रही है, वो बढ़ रही है और वो अलग अलग एरिया में एक दूसरे से को मैरी कर रही है। लेकिन जब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगी, रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, तो 100% ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट भी हो सकते हैं। तब हमारा ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड और बाकी की डेफिनेशंस हमें अपग्रेड करनी पड़ेंगी। लेकिन आज की डेट में हमारा कहना यह है कि दो टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं, एक होता है मैनुअल इन्वायरमेंट, दूसरा होता है कंप्यूटराइज्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट। कंप्यूटराइज्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट हाइब्रिड इन्वायरमेंट है, मैनुअल इन्वायरमेंट भी है और कंप्यूटर्स का भी यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर का कितना यूज़ हो रहा है वेरिंग डिग्री। बहुत से कंपनी हाईली सोफिस्टिकेटेड मैच्योर आईटी इन्वायरमेंट है, कई कंपनी छोटी कंपनी है उसमें एक आध दो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कैसा भी हो, हाईली सोफिस्टिकेटेड मैच्योर आईटी इन्वायरमेंट हो या मैनुअल इन्वायरमेंट हो या एक आध कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, स्कोप और ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होगा। कंप्यूटर ये गाइडेंस नोट सबसे पहली चीज़ हमें ये बताता है। दूसरा चीज़ वो ये कहता है कि जी कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स क्या हैं। वो ये कहता है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स वो कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा हैं, यानी कि दो चीज़ें हैं, यानी प्रोग्राम भी हैं और डेटा भी हैं। डेटा में क्या होते हैं, टेस्ट पैक्स हो सकते हैं, टेस्ट डेटा हो सकते हैं। उस डेटा का यूज़ करके आप प्रोसेसिंग चेक कर रहे हो ना। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स है, कंप्यूटर के द्वारा असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स है, ऐसी ऑडिट टेक्निक्स जो कंप्यूटर को के द्वारा असिस्ट करके हम ऑडिट कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर को ऑडिट कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, पहले एक तो सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, एक हमें टेस्ट डेटा चाहिए होगा या डेटा चाहिए होगा।
तो यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं और डेटा है, और दोनों इंटेंजिबल है, याद रखिए। कंप्यूटर प्रोग्राम भी इंटेंजिबल है, उसे छू नहीं सकते हैं, डेटा भी इंटेंजिबल है। कंप्यूटर प्रोग्राम भी इलेक्ट्रॉनिक कोड्स हैं, कोड्स हैं, बेसिकली कोडिंग होती है, और वो जब कंप्यूटर के अंदर जाते हैं तो वो बाइनरी फॉर्म में होते हैं, लिखे हुए होते हैं। फाइनल आप हाई लेवल लैंग्वेज में करते हो, लेकिन जब मशीन लैंग्वेज में, मशीन तो मशीन लैंग्वेज जानती है, फाइनली वो कन्वर्ट होते हैं, मशीन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो होते हैं मशीन लैंग्वेज में। और दूसरा होता है डेटा। तो बेसिकली कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स वो कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा है जो ऑडिटर यूज़ करता है। किस लिए यूज़ करता है? ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए यूज़ करता है, ताकि वो उससे ऑडिट एविडेंस निकाल सके, ऐसे डेटा को प्रोसेस कर सके जो ऑडिट सिग्निफिकेंस का हो, और जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट में पड़ा हो। यानी कि हमने ये जाना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? डेटा होती है। हम बहुत पहले ये कह चुके हैं कि डेटा सबसे इंपॉर्टेंट एसेट हो रहा है, और आने वाले समय में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता चले जाएगा। डेटा की वाली कंपनी या आईटी वाली कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती चली जा रही है। कल की डेट में वो कंपनी कुछ नहीं होती है, परसों की डेट में वो कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में खेलने लगती है। यही फेसबुक के साथ हुआ, यही माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ, यही अपना फ्लिपकार्ट के साथ हुआ। फ्लिपकार्ट जो है आपका कल की डेट में 7 लाख रुपए में एक कमरे में स्टार्ट की हुई कंपनी हुई, और अचानक एक दिन आज 11 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन हुआ है उसके, 1 बिलियन डॉलर की सेल हो गई। 1 बिलियन डॉलर का मतलब होता है 6,000 करोड़, और वो एक पर्टिकुलर वेबसाइट बेस्ड कंपनी है। इसी तरीके से Airbnb का हुआ, वो हाउसिंग में उसने जो ट्रैवल करते समय जो होटल रूम्स है उसको डीमेटरलाइज कर दिया। उसी तरीके से अब इंडिया में एक राहुल यादव आ गया है housing.com का, और वो housing.com बढ़ रही है। पहले वो एक IIT का ड्रॉप आउट है, चौथे साल में उसने IIT को ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद housing.com खोल दिया। आज की डेट में पता नहीं कितने हज़ार उसके ब्रोकर्स हैं, और कितने ज़्यादा सिटीज़ में वो housing.com जो है आपका housing.com का बिजनेस है। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली ऑडिट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम ऑडिट किसके लिए कर रहे हैं? उस डेटा के लिए कर रहे हैं। वही डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही डेटा ऑडिट सिग्निफिकेंस का है, और इस डेटा की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। और ये कहाँ पर है ऑडिट का डेटा? ये जो आपका एंटिटी है जिसका ऑडिट करने जा रहे हैं उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम में पड़ा हुआ है, क्योंकि डेटा अपने आप में अलग नहीं रह सकता, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम में पड़ा होगा। उसको प्रोसेस करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर होगा, एक पर्टिकुलर कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट होगा, और उस पूरे इन्वायरमेंट का काम केवल एक चीज़ है, इस डेटा को मेंटेन करे रखना, इस डेटा की वैल्यू बरकरार रखना, इस डेटा को संभाल के रखना। मतलब जैसे सोना होता है, सोना कहीं पर भी आप रखते हैं तिजोरी वगैरह में संभाल के रखते हैं, तो उसी तरीके से डेटा सोने से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है आज की डेट में। मतलब डेटा आज की डेट में कई कई कंपनी के लिए तो सोने से 1000 टाइम वैल्यूएबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक गाइडेंस नोट दिया है, और गाइडेंस नोट में सबसे पहली चीज़ जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बताता है, वो बोलता है कि ऑब्जेक्टिव और स्कोप जो है, एक इन्वायरमेंट मैनुअल हो, नॉन मैनुअल हो, कंप्यूटराइज्ड हो, उससे ऑब्जेक्टिव और स्कोप चेंज नहीं होता। ऑब्जेक्टिव और स्कोप वही होता है, ऑब्जेक्टिव और स्कोप केवल एक चीज़ से चेंज होता है कि आप क्या करने जा रहे हो। जब आप क्या करने जा रहे हो तो आप उस ऑब्जेक्टिव और स्कोप को फ्रीज कर देते हो, उसके बाद वहाँ जाते हो, वहाँ आप देखते हो क्या इन्वायरमेंट है, कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट है, नॉन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट है, और उसी के अनुसार आप ऑडिटिंग प्रोसीजर्स का यूज़ करते हो। जितना कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट है वहाँ पर उतने कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। और क्यों ऑडिट टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। इफेक्टिवनेस का मतलब यह है अपने गोल को रीच करने के लिए, यानी कि जो ऑडिट प्रोसीजर्स क्या कहते हैं, ऑडिट के गोल को रीच आउट करते हैं। ऑडिट का गोल क्या होता है? जो वही ऑब्जेक्टिव और स्कोप होता है जो हमने पहले फ्रीज किया है। ऑडिट करने से पहले एक ऑडिट का ऑब्जेक्टिव और स्कोप होगा, वही ऑडिट का गोल होता है बेसिकली, और उसके लिए हम ऑडिट प्रोसीजर्स का यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटराइज और असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स बेसिकली क्या हैं? वही प्रोसीजर्स हैं, और इन्हीं प्रोसीजर्स से
इन्हीं प्रोसीजर्स का यूज़ करके हम ऑडिट प्रोसीजर्स की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इन्हेंस करते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स को यूज़ करके ये दोनों चीज़ें करते हैं, यानी कि गोल इफेक्टिवनेस का मतलब गोल की तरफ रीच करना, एफिशिएंसी का मतलब कितने कम रिसोर्सेज हमने यूज़ किए गोल्स तक पहुँचने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स हमें हेल्प करती हैं। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स क्या करती हैं कि जो डेटा पड़ा हुआ है, जो लॉजिकल डेटा पड़ा हुआ है, जो सिस्टम के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, जो एंटिटी के इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा या प्रोग्राम को ऑडिट करने में हमें हेल्प करती हैं। दूसरी बात, उस इन्वायरमेंट को, उस पूरे इन्वायरमेंट को ऑडिट करने में हमें हेल्प करती है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा है। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स कुछ नहीं है, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं और वो डेटा है, वो टेस्ट डेटा है जिसको लेकर आप सिस्टम को चेक करोगे, एप्लीकेशन को चेक करोगे। आपको डेटा चेक करना है, उसके बाद एप्लीकेशन चेक करनी है, पूरा इन्वायरमेंट चेक करना है, देखना है पूरा इन्वायरमेंट सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई राजा या कोई प्राइम मिनिस्टर किसी या बिल क्लिंटन दिल्ली में रहने आता है, तो दिल्ली में वो कहाँ रहेगा? किसी मौर्य शेरेटन वगैरह में रहने आता है, मौर्य शेरेटन या पता नहीं किस होटल में रहने आया। उससे पहले उसकी टीम आती है, सारे पूरा चेक करके चले जाती है कि सही है कि नहीं है, यहाँ पर पूरा एक फ्लोर ले लेती है, वहाँ पर उसकी स्पेशल सर्विसेज रहते हैं, उसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स वो सारे देख रहे होते हैं कि सिक्योरिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर बिल क्लिंटन या राजा कौन है डेटा है, और फिर ये डेटा को प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, उसके के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत है, तो पूरा इन्वायरमेंट सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जब आप चेक करोगे, ऑडिट करोगे कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक से, तो इस डेटा को चेक करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस डेटा को चेक करने के बाद आप इसकी प्रोसेसिंग भी चेक करोगे, ठीक तरीके से चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए आप क्या है, उस सॉफ्टवेयर को चेक करोगे, उस हार्डवेयर को चेक करोगे, उस कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट को चेक करोगे कि ये डेटा सही तरीके से है कि नहीं है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल क्लिंटन अगर कहीं पर रह रहा है तो उसकी सिक्योरिटी पूरी है कि नहीं है, किसी होटल में मौर्य सेरेटन या जिस जो भी होटल में रह रहा है वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी पूरी है कि नहीं है, जिस रूम में रह रहा है, इसी तरीके से डेटा के साथ है। तो इंट्रोडक्शन हमारा बहुत सिंपल है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले ये कहता है कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव और स्कोप जो है फ्रीज हो जाते हैं उसका, इससे दे आर ऑडिट ऑब्जेक्टिव और स्कोप इज आर इंडिपेंडेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट। दूसरी चीज़, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स क्या है? वो प्रोग्राम और डेटा है। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स क्या है? वो प्रोग्राम और डेटा है, सिंपल। वो प्रोग्राम और डेटा है जिसका यूज़ करके हम जिसे हम ऑडिट प्रोसीजर्स का पार्ट मान सकते हैं, और उससे क्या है, हम उनका यूज़ करके हम इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली ऑडिट कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली ऑडिट प्रोसीजर्स लगा सकते हैं। जो ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं कौन से होते हैं? सब्सटेंटिव और कंप्लायंस प्रोसीजर होते हैं। तो सब्सटेंटिव और कंप्लायंस प्रोसीजर इफेक्टिव और एफिशिएंटली हम लगा सकते हैं, क्योंकि कई जगह पर हम घुस भी नहीं सकते हैं, लॉजिकली प्रोसेसिंग हो रही है कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर घुस भी नहीं सकते हैं। जब हम उसके अंदर घुस नहीं पाएंगे तो वहाँ इफेक्टिवनेस वायलेट हो जाएगी। क्या चीज़ वायलेट हो जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिवनेस वायलेट हो जाएगी। क्यों इफेक्टिवनेस वायलेट हो जाएगी? क्योंकि हम अपने जो ऑडिट ऑब्जेक्टिव को मीट नहीं कर पाएंगे, हमें पता नहीं होगा उसमें प्रोसेसिंग क्या हो रही है, सही हो रही है गलत हो रही है। तो हमें लॉजिकली सिस्टम के अंदर घुसना है तो उसके लिए टूल की ज़रूरत है, उसे कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। जैसे एक कांटे को निकालने के लिए एक कांटे का यूज़ किया जाता है, उसी तरीके से सिस्टम के अंदर घुसने के लिए और उसको ऑडिट करने के लिए एक लॉजिकली घुसने के लिए एक लॉजिकल मेथड का यूज़ किया जाता है, और वो लॉजिकल मेथड या लॉजिकल इंस्ट्रूमेंट या लॉजिकल ऑडिट प्रोसीजर जो है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक है। ये चीज़ हमारे इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से समझा देगी। इसके बाद हमारा जो गाइडेंस नोट है वो एक क्लेरिफिकेशन देता है, वो ये कहता है कि अगर कोई ऑडिट प्रोसीजर्स हम कर रहे हैं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम कुछ कंप्यूटर टूल्स यूज़ करेंगे, उन्हें हम कैट रेफ़र करते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। यानी कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स हमने बोला वो प्रोग्राम और डेटा है, वो किसी भी तरह का प्रोग्राम डेटा कंप्यूटर टूल, किसी भी तरह का कंप्यूटर टूल हम यूज़ कर रहे हैं उसे कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स में माना जाएगा। और ये गाइडेंस नोट हर उस कंडीशन में अप्लाई होता है जहाँ कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, जहाँ CIS environment है,
भले ही वो थर्ड पार्टी ऑपरेट कर रही है या एंटिटी का एम्प्लॉई ऑपरेट कर रहा है, एंटिटी ऑपरेट कर रही है, थर्ड पार्टी ऑपरेट कर रही है। तो ये उन्होंने उसका पर्पस भी क्लेरिफाई किया। पर्पस क्या है कि जहां पर आप कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स यूज करते हैं, और कंप्यूटर जहां पर कंप्यूटर होगा वहां पर आपको कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स यूज करने हैं, क्योंकि ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 ने बोल दिया है। उसने कहा कि भैया प्रोसेसिंग आपको देखनी है, लॉजिकली प्रोसेसिंग देखनी है, कंप्यूटर के अंदर घुसकर देखना है, लॉजिकली घुसकर देखना है, तो वो तो आपके लिए जरूरी हो गया, वो स्किल्स आपके पास होने, ये भी आपके लिए जरूरी हो गया। और लेकिन ये गाइडेंस नोट क्योंकि रिकमेंडेटरी नेचर का होता है गाइडेंस नोट, तो ये बोल रहा है कि भाई ये रिकमेंडेटरी टर्म्स में बात कर रहा है, लेकिन वो हो गया मैंडेटरी। ये रिकमेंडेटरी टर्म्स में ये बात कर रहा है कि जब किसी कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट में आप जाओगे, तो जहाँ भी आप टूल्स यूज़ करोगे, और जो कि यूज़ करने हैं, क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 कह चुका है कि वो यूज़ करने हैं आपको, तो इन सारे टूल्स को आप कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स कहोगे। तो इसको थोड़ा सा एक चीज़ और देख लें कि कंप्यूटर प्रोसीजर होते हैं सब्सटेंटिव और कंप्लायंस प्रोसीजर्स होते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स मैनुअल भी होंगे, कैट भी होंगे, कंप्लायंस प्रोसीजर मैनुअल भी होंगे, कैट भी होंगे, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। मतलब मिक्स होगा, क्योंकि हाँ इन्वायरमेंट क्या है, सीआईएस इन्वायरमेंट मिक्स होता है, मैनुअल भी होता है और दोनों चीज़ें होती हैं, कंप्यूटराइज्ड भी होता है, पार्टली मैनुअल होगा और कंप्यूटराइज भी होगा। अगर एक कंप्यूटर आ गया तो वहाँ से कंप्यूटराइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट स्टार्ट हो जाता है। आज की डेट में 100% कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट नहीं आया है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई है। तो जब आप ऑडिट करने जाओगे तो ऑब्जेक्टिव और स्कोप तो फ्रीज हो चुका होगा, कि इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, क्या ऑडिट कर रहे हो, जो भी आप जाओगे वहाँ पर देखोगे। उसके बाद क्या है कि कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में जाओगे तो आप देखोगे कुछ मैनुअल है, कुछ कंप्यूटराइज है, बाई डेफिनेशन। तो जब मैनुअल है और कंप्यूटराइज है तो आपको वहाँ पर ऑडिट प्रोसीजर्स यूज़ करने पड़ेंगे, ऑडिट टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगे। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है? सब्सटेंटिव और कंप्लायंस प्रोसीजर है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या है? दो, हर प्रोसीजर दो भागों में बटा हुआ है, मैनुअल प्रोसीजर है और कंप्यूटराइज प्रोसीजर है। कंप्यूटराइज प्रोसीजर को कैट कहते हैं। आई होप ये क्लैरिफाई कर देगा, ये आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस दे देगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, जो अगला हमारा इंस्टीट्यूट का जो गाइडेंस नोट है, वो कहता है डिस्क्रिप्शन, वो डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है। तो सबसे पहले वो ये कहता है कि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। क्यों? वही हमें लॉजिकली सिस्टम के अंदर घुसाएंगे, और जैसे जैसे प्रोसेसिंग बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये टूल्स की इंपॉर्टेंट बढ़ती जाएगी, क्योंकि फिर हमें सिस्टम के अंदर लॉजिकली घुसना होगा, और ऐसे हम लॉजिकली नहीं घुस सकते हैं। तो हर बीतते साल के साथ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। दूसरी चीज़ वो बोलता है कि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स या टेक्निक्स या ऑडिट प्रोसीजर्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स जो हैं वो ऑडिट प्रोसीजर्स को कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जिसको अप्लाई करने में यूज़ की जाती हैं। अब ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हैं? मैनुअल ऑडिट प्रोसीजर्स जो हैं वही ऑडिट प्रोसीजर्स कैड भी करेगा, वो लॉजिकली करेगा या फिजिकली करेगा। मैनुअल में फिजिकली होता है और कैट जो है लॉजिकली वही काम करेगा। तो यानी कि एक तरह से ये समझ लीजिए जितने भी ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उसको दो भागों में स्प्लिट कर दिया गया है। एक तरफ कह दिया गया ये मैनुअल और एक तरफ कह दिया है कैट, लेकिन ऑडिट प्रोसीजर वही है। ऑडिट ये जो हमारा जो गाइडेंस नोट बताता है वो यही कहता है, वो कहता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होने चाहिए, कंप्लायंस प्रोसीजर होने चाहिए। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होने चाहिए। आप उसके अलावा सैम्पलिंग करेंगे, एप्लीकेशन कंट्रोल्स को टेस्ट करेंगे, एप्लीकेशन कंट्रोल्स को टेस्ट करने की एक्स्ट्रा बात कहता है, बाकी सारे प्रोसीजर्स वही हैं। अब वो कौन कौन से प्रोसीजर हैं? सबसे पहले क्या है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की बात कर लेते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में नॉर्मल सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो है, एक तो एनालिटिकल सब्सटेंटिव प्रोसीजर होंगे, एक नॉर्मल सब्सटेंटिव प्रोसीजर होंगे। जो नॉर्मल सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होते हैं कि आप ट्रांजेक्शन और बैलेंसेज देखते हैं, आप लेजर स्क्रूटनी करते हैं, वहाँ पर हर इंडिविजुअल अकाउंट को देखते हैं, और फिर ग्रुप एज अ होल देखते हैं, पूरे डेटर्स कितने हैं ये देखते हैं, और इंडिविजुअल डेटर्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, ये दोनों चीज़ आप एनालाइज करते हैं। तो जब आप ट्रांजैक्शन और बैलेंसेस को देख रहे हैं, जब आप ऑडिट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं,
इंटरेस्ट को रिकैलकुलेट करने के लिए या पर्टिकुलर इनवॉइसेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर के इनवॉइसेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने कैट का यूज़ किया, आपने कहा कि जी मेरे को जो 10 लाख से ऊपर के अमाउंट के इनवॉइसेस हैं वो सारे निकाल दो, मेरे को उनको डीप पूरा 100% सब्सटेंटिव चेकिंग करनी है, मुझे 100% देखना है इनको, क्योंकि ये मटीरियल अमाउंट बना देते हैं, ये है ऑर्गेनाइजेशन की जो है ये ट्रांजेक्शन के टर्म्स में बहुत लो हैं लेकिन वैल्यू के टर्म्स में बहुत ज़्यादा है, इससे मालूम पड़ा ऑर्गेनाइजेशन की 30% वैल्यू कवर हो जाती है। अगर ये ऑडिट हो गया, ये इनका ऑडिट कर दिया तो 30% की वैल्यू मैंने ऑडिट कर दी, 30% की सेल्स या 30% की एक्सपेंसेस या 30% की एसेट परचेज या 30% की लायबिलिटी के जो करंट ईयर ट्रांजैक्शंस हुए हमने लायबिलिटी ली। कई बार तो क्या होता है कि आप एक मोटा सा बैंक लोन ले लेते हो और वही मेजर लायबिलिटी होती है, मतलब और दूसरी लायबिलिटी हो सकती है, क्रेडिटर्स वगैरह हो सकती हैं, क्रेडिटर्स वगैरह शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ इनको हटा दिया जाए तो बाकी लोन्स लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, ओवरड्राफ्ट्स होते हैं, तो वो मेजर वैल्यू लायबिलिटी की क्रिएट बनाते हैं। तो आपने उसको ऑडिट कर लिया तो आपने कहा एक मटीरियल अमाउंट हमने ऑडिट कर दिया और यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ चेकिंग हम 100% रखेंगे या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को 100% चेक करेंगे। और कई बार ये ज़रूरी हो जाता है लॉजिकल उसमें लॉजिकल इन्वायरमेंट में, कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में कई बार इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ये कंट्रोल्स काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। आपने चेक किया, आपने कंट्रोल्स बिल्कुल सही हैं तो आप उसके बाद एक मटीरियल अमाउंट चेक कर लेते हैं और अगर वहाँ पर गड़बड़ी हुई तो इसका मतलब कंट्रोल्स में कुछ गड़बड़ी है। पहले तो आप कंट्रोल चेक करोगे और कंट्रोल चेक करने के बाद आपको कंप्लायंस प्रोसीजर अप्लाई कर दिया तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह जाती अगर कंट्रोल स्ट्रांग है। अगर पहला कंडीशन पे दो कंडीशन ले लेते हैं, पहला मैनुअल इन्वायरमेंट है और वहाँ पर कंट्रोल्स बहुत स्ट्रांग है तो वहाँ सब्सटेंटिव चेकिंग कम करोगे, लेकिन अगर ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट है और वहाँ कंट्रोल्स मैसिवली स्ट्रांग है तो कंप्यूटर गलत कैलकुलेशन करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर की में अगर कंट्रोल स्ट्रांग है तो रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स चेक करोगे क्योंकि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का कंट्रोल्स अगर स्ट्रांग है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आप चेक करके एक एडिशनल रिलायबिलिटी ले लोगे, क्योंकि ये लॉजिकल मामला है, कहीं पर आप कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे हो, कहीं पर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई, और अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब ये है कंप्लायंस प्रोसीजर दिख रहे हैं स्ट्रांग है लेकिन ज़रूरी नहीं है उतने स्ट्रांग है। आपने लाख रुपए से ऊपर के सारे ट्रांजैक्शन चेक कर लिया, अगर उसमें कोई गड़बड़ी नहीं रही तो आप एडिशनल रिलाई कर लिया, आपने कहा जी ऑडिट ऑब्जेक्टिव मीट आउट हो गया, लेकिन अगर उनमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई, एक भी ट्रांजैक्शन में अगर वहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो एक प्रोसेसिंग गलत की हुई, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। कंप्यूटर एक्सेप्शन नहीं करता, कंप्यूटर एफिशिएंट है, कंप्यूटर रिलायबल है, कंटिन्यूसली काम करता है, जो उसको प्रोग्रामिंग दी गई उसी के अनुसार काम करता है, लेकिन अगर एक भी गड़बड़ी है तो इसका मतलब उसको ढूंढना पड़ेगा आपको। कंप्यूटर की रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो एक भी मिस्टेक नहीं कर सकता, उसमें इतने सारे कंट्रोल्स लगे होते हैं कि वो एक उसमें अगर आपने कंट्रोल्स चेक कर लिए तो इतने सारे कंट्रोल्स होंगे वो कि वो उस एक मिस्टेक को अफोर्ड नहीं कर वो नहीं करेगा, वो 24/7 काम कर सकता है, 365 डेज काम कर सकता है, रेगुलरली काम कर सकता है, वो उसी क्वालिटी के साथ काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो आज गुस्सा हो गया या मूड स्विंग्स हो गए, वो उसी मूड में काम करेगा। तो सबसे पहले आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं? वही होते हैं जो मैनुअल में सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होंगे, वही ये होंगे, लेकिन मेथड ऑफ अप्लाइंग चेंज होगी क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर्स एनालिटिकल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होते हैं, ये इनकंसिस्टेंसी और सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन देखते हैं। ईजिली ग्राफ बन जाएगा, ईजिली पैटर्न आपको पता चल जाएगा और फिर आप एनालाइज करोगे। एनालिटिकल प्रोसीजर्स ग्राफ चार्ट्स ये इन सब के फॉर्म्स में देने लगोगे। तो ये बेसिकली सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं, उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मैनुअल में भी वही होते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में भी वही होते हैं और आपके, लेकिन उसके ऑडिट प्रोसीजर्स करने का तरीका का टूल अलग हो जाएगा। जो ऑडिट प्रोसीजर्स भी वही होंगे लेकिन ऑडिट प्रोसीजर्स करने का टूल अलग हो जाएगा। एक जगह पर मैनुअल टूल होगा, एक जगह पर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स एज अ टूल यूज़ की जाएंगी। इसके अलावा कंप्लायंस प्रोसीजर्स आप चेक करोगे। आप कंप्लायंस प्रोसीजर्स मतलब क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स चेक करोगे, जनरल कंट्रोल्स चेक करोगे,
आप सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम का, आप देखोगे प्रोग्राम लाइब्रेरी को कौन कौन एक्सेस कर सकता है और क्या किस तरह से एक्सेस हो सकता है, वहाँ पर लॉजिकल कंट्रोल लॉजिकल एक्सेस स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, पासवर्ड्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद कोड कंपैरिजन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात की है, आप देखोगे वही वर्जन इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। कोड कंपैरिजन सॉफ्टवेयर के बारे में हम बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, हम ये जान चुके हैं कोड कंपैरिजन सॉफ्टवेयर में आप वर्जन देखोगे, वही वर्जन है, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड को मैच कराओगे, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड सेम है कि नहीं है। मैंने बोला था सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, यानी कि हम जब बनाते हैं तो सोर्स कोड बनाते हैं, हम सोर्स कोड में लिखते हैं, कंप्यूटर समझता है ऑब्जेक्ट कोड में समझता है, क्योंकि वो बाइनरी समझता है, क्योंकि हमारी दोनों की लैंग्वेज डिफरेंस है, इसलिए सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड बन गया। लेकिन जिस सोर्स कोड के करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट कोड है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मालूम पड़ा नया वर्जन आ गया, सोर्स कोड तो हमने नया वर्जन का बना दिया लेकिन उसे अप्लाई नहीं किया है, पुराने वर्जन का ऑब्जेक्ट कोड चल रहा है, यानी कि कंप्यूटर जो है पुराने वर्जन में काम कर रहा है। तो आपको ये वर्जन चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा यही वर्जन मैनेजमेंट द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं है। उसके बाद सैम्पलिंग प्रोग्राम्स होते हैं, सैम्पलिंग प्रोग्राम्स कहते हैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑडिट टेस्टिंग के लिए। पहले क्या होता था, मैनुअली सैम्पलिंग करते थे, कंट्रोल्स अगर सही हैं मैनुअल एनवायरनमेंट में तो आप क्या करते थे, सब्सटेंटिव चेकिंग करते थे तो उसमें सैम्पलिंग कर लेते थे, सैम्पल निकाल लेते थे कि 1 से 10,000 के बीच में हर तीसरा वाउचर दे दो, 10,000 से 1,00,000 रुपये के बीच में हर 10वां वाउचर दे दो, 1,00,000 से ऊपर के जितने भी वाउचर हैं सारे ले आओ, सब चेक करेंगे। तो क्या है, तो इसके अलावा क्या है कि एप्लीकेशन कंट्रोल्स को टेस्ट करोगे, मतलब आप जनरल कंट्रोल्स को भी टेस्ट करोगे और एप्लीकेशन कंट्रोल को भी टेस्ट करोगे, क्योंकि एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर क्या है, बिजनेस लॉजिक है, एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर क्या है, बिजनेस लॉजिक है। आपका टेली काम कर रही है या कोई और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, पेरोल काम कर रहा है, कोई और सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट कर रहा है हार्डवेयर से, वो एप्लीकेशन सिस्टम कम्युनिकेट कर रहा है हमसे। एप्लीकेशन सिस्टम में बिजनेस लॉजिक है और उसके एप्लीकेशन कंट्रोल्स स्ट्रांग होने बहुत जरूरी हैं। मेन चीज़ अगर एप्लीकेशन कंट्रोल्स वीक हैं तो प्रोसेसिंग सही नहीं होगी, क्योंकि प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, डेटा जा रहा है और एक के बाद एक प्रोसेसिंग कर रहा है, नो डाउट उसको प्रोसेसिंग को मशीन तक ले जाने के लिए उसको उस डेटा को ऑपरेटिंग सिस्टम को देना पड़ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है, बाइनरी में कन्वर्ट करके हार्डवेयर में जा रहा है, हार्डवेयर में जाने के बाद फिर बाइनरी में आ रहा है, और बाइनरी में आने के बाद फिर हायर लैंग्वेज में हो रहा है, ये स्टेप्स चल रहे हैं। लेकिन हर स्टेप में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट हो रहा है, लेकिन जब भी वो कम्युनिकेट करता है वापस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दे रहा है और पूरी प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग स्टेप्स चल रहे हैं, लॉजिक जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिजनेस लॉजिक जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स का टेस्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि हम कोई कैलकुलेशन को रीपरफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है कोई पर्टिकुलर अकाउंट की एंट्री है उसको फिर से हम रीपोस्ट करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। तो ये सारी इसकी सारी चीज़ें, ये सारे के सारे ऑडिटिंग प्रोसीजर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स में की जाएगी। तो इसमें ये पुराने प्रोसीजर्स हैं, सब्सटेंटिव कंप्लायंस और सैम्पलिंग प्रोग्राम्स, ये तो पुराने प्रोसीजर्स हैं, ये मैनुअल में भी होते हैं। एप्लीकेशन और रीपरफॉर्मिंग कैलकुलेशंस ये भी मैनुअल में हो जाती हैं। लेकिन एप्लीकेशन कंट्रोल की टेस्टिंग एक एडिशनल चीज़ है जो यहाँ पर हो रही है, यानी कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स में जो एप्लीकेशन कंट्रोल्स की टेस्ट कर रहे हो आप, वो एप्लीकेशन कंट्रोल्स जो लगे हैं, बाउंड्री कंट्रोल्स जो लगे हैं एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन कंट्रोल्स जो लगे हैं वो नॉर्मल में नहीं होता था, नॉर्मल मैनुअल में नहीं होता था, केवल कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में होता है। तो इसको समराइज करें तो हमारी स्टडी ये बताती है कि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स होती हैं, गाइडेंस नोट ये बताता है कि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स होती हैं, और वो ये बताता है कि ऑडिट कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स इंपॉर्टेंट टूल्स हो रही हैं, और वो ये टूल्स की इंपॉर्टेंट बढ़ती चली जा रही है क्योंकि डेटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, चीज़ें ऑटोमेट होती जा रही हैं, और धीरे धीरे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, नैरो AI आएगी, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर CAAT जो है बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए यूज़ किया जाता है,
ऑडिट प्रोसीजर में मैनुअल प्रोसीजर्स होते हैं और कंप्यूटराइज प्रोसीजर होते हैं. कंप्यूटराइज प्रोसीजर को कैट कहा जाता है. जब कंप्यूटर के अंदर ऑडिट करना होता है, कंप्यूटर के का ऑडिट करना होता है, तो कैट का यूज़ किया जाता है. तो ये जो ऑडिट, बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर्स में ये ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूड हैं. कौन से हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर्स हैं. कंप्लायंस प्रोसीजर्स में क्या है, जो यूनिकनेस है वो ये है कि कोड कंपैरिजन करोगे आप, वर्जन देखोगे वो है कि नहीं है, आप ये देखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन और सेटअप देखोगे, ये सारी चीज़ें देखोगे. उसके अलावा ये देखोगे प्रोग्राम लाइब्रेरीज़ की एक्सेस किसके पास है, डेटा लाइब्रेरीज़ की के एक्सेस किसके पास है. दो चीज़ें, डेटा की लाइब्रेरी और प्रोग्राम की लाइब्रेरी. प्रोग्राम की लाइब्रेरी एक्सेस किसी के पास आ गई तो उसने प्रोग्राम में ही मालूम पड़ा एक ट्रोजन हॉर्स डाल दिया और उसके बाद वो इंस्टॉल कर लिया आपके प्रोडक्शन सिस्टम में. दो टाइप के सिस्टम है हमने पढ़े थे, एक प्रोडक्शन सिस्टम है, टेस्ट सिस्टम है या आर्काइव सिस्टम है. या तो प्रोग्राम आर्काइव्ड रहेगा, एक जगह पर आर्काइव करके रखा जाएगा, या टेस्ट हो रहा होगा, या प्रोडक्शन में होगा, प्रोडक्शन में काम चल रहा होगा. तो उस प्रोग्राम के पास एक्सेस किसका है? किसी ने ट्रोजन हॉर्स तो नहीं डाला, किसी ने प्रोग्राम पढ़ के उसकी वीकनेस तो नहीं समझ ली. प्रोग्राम पढ़ के उसकी वीकनेस समझी जा सकती है और फिर हैकर उसको अटैक कर सकता है. तो बेसिकली ये कंप्लायंस प्रोसीजर होंगे. इसके बाद सैम्पलिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमने मैनुअल सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती है, वैसे ही सैम्पल प्रोग्राम्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं और फिर डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उस पर ऑडिट टेस्टिंग होती है. उसके बाद जो बिजनेस लॉजिक है वो एप्लीकेशन कंट्रोल एप्लीकेशन में है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में बिजनेस लॉजिक है और उन्हीं बिजनेस लॉजिक सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं काम करना है. इसके लिए हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन प्रोग्राम में कंट्रोल सही तरीके से लगें कि नहीं लगें. तो हमें एप्लीकेशन कंट्रोल्स देखने पड़ेंगे और ये एप्लीकेशन कंट्रोल्स हम किससे देखेंगे? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक से देखेंगे. कौन सा टूल यूज़ करेंगे? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज़ करेंगे और ये यूनिक है कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट में. ये मैनुअल एनवायरनमेंट में नहीं होता. एप्लीकेशन कंट्रोल्स चेक करना मैनुअल एनवायरनमेंट में नहीं होता, ये यूनिक है कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट में. और उसके बाद रीपरफॉर्मिंग करेंगे, कैलकुलेशंस को रीपरफॉर्म करेंगे. मैनुअल में कम होती है लेकिन आपके कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट में आप कैट का यूज़ करके ये बहुत ज़्यादा कर सकते हैं. क्योंकि आपको आपने एक्सेल में पूरा डेटा डंप उठाया और उसमें आपने फॉर्मूला लगाया और आप सबका आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया है. एक ही मालूम पड़ा आपके पास 50 अकाउंट है, वैसे होता नहीं है कंपनी में 50 अकाउंट, लेकिन सपोज़ आप बैंक हो, आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो लेने की बजाय और आपके पास 50 अकाउंट क्या 5 लाख अकाउंट है. तो आपने एक्सेल शीट में उठाया 5 लाख वो डेटा उठाया, भले एक साथ नहीं आएगा वो, कुछ 1 लाख या कुछ लिमिट होती है एक्सेल की, सपोज़ 1 लाख या 50,000 डेटा आपने एक बार उठाया, उसमें फार्मूला लगाया और देख लिया आंसर आ गया और उस आंसर को कंपैरिजन कर लिया, दोनों को आंसर को कंपैरिजन कर लिया. मतलब आपने इंडिपेंडेंटली कैलकुलेशन कर ली है कि भैया इंटरेस्ट सही तरीके से दिया है कि नहीं दिया है बैंक ने, तो इनका डेटाबेस ही सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो ये सारे ऑडिट प्रोसीजर्स में कैट हेल्प करता है. और एक चीज़ का ध्यान दीजिए, मैंने ये बोला कि जहाँ पर कंप्लायंस प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते